फ्रेंड्स, मैं उमिना सिंह, मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं कस्टर्ड ली हूँ और पहले मैं दूध में इसको मिक्स करेंगे। तो ये मेरा जो दूध है एकदम कोल्ड दूध है और कोल्ड दूध से ही इसको मिक्स करना चाहिए, नहीं तो अगर गर्म दूध रहेगा तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले दूध को ऐड करते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसको अच्छे से हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है मेरा। अब चलते हैं बनाने की तरफ। तो फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम को ऑन करके मैं पैन को रखकर के इसमें दूध ऐड कर दी हूँ फ्रेंड्स, और दूध जो है मेरा नॉर्मल ही दूध है और गैस के फ्लेम को ऑन कर दी हूँ फ्रेंड्स। तो जब मेरा थोड़ा दूध जो है अभी खोल नहीं रहा, अच्छे से खोलने लगेगा, तो मैं इसमें कस्टर्ड को ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स, दूध मेरा गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरा दूध जो है उबल रहा है। अब इसी दौरान मैं डालूंगी इसमें कस्टर्ड। तो कस्टर्ड मैं डालूंगी पहले फ्रेंड्स, कस्टर्ड को हम पहले लिए हैं कस्टर्ड को, तो कस्टर्ड को पहले अच्छे से जम जाता है नीचे कटोरी के, तो इसको हम अच्छे से पहले चला देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसको मैं धीरे धीरे इस चम्मच की सहायता से इसको दूध को हम चलाते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो नीचे जाकर जम जाएगा और गांठें पड़ जाएंगी। तो इसी तरह हमको मिलाते रहना है और धीरे धीरे इसको हमको इसी तरह चलाते रहना है और मिलाते रहना है इसको। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, धीरे धीरे मैं इसको मिला रही हूँ और इसको हम अच्छे से चला रहे हैं ताकि नीचे जमे ना कस्टर्ड हमारा और गांठे ना पड़े। इसको हम मिलाते रहेंगे फ्रेंड्स और इसको मिलाते हुए 5 मिनट पकाएंगे ताकि मेरा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो इसको इसी तरह हमको चलाते चलाते 5 मिनट इसको हमको पकाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है। हमको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने पर ये खुद ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी में मैं फ्रेंड्स चीनी ऐड कर रही हूँ ताकि चीनी भी मेरा घुल जाए। तो इसमें मैं चीनी ऐड कर दी हूँ फ्रेंड्स और इसको मैं चलाती हूँ ताकि मेरी चीनी इसमें डिजोल्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए। तो फ्रेंड्स, इसी में मैं ये बादाम है इसको मैं ऐड कर देती हूँ और फ्रेंड्स इसी में मैं काजू को ऐड कर देते हैं और इसको मैं 2-3 मिनट इसको भी पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम थोड़ी देर तक पहले ठंडा कर लेंगे। तब इसमें जो ऐड करना है बताएंगे कि क्या क्या हम ऐड करेंगे इसमें। तो थोड़ा इसको हम ठंडा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितना ठंडा हो गया है फ्रेंड्स। इसको मैं ठंडा कर ली हूँ और आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका थिकनेस है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इसमें हम पहले ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ये मैं एक नई रेसिपी बना रही हूँ फ्रेंड्स, मैंगो वाली। तो फ्रेंड्स, ये मैंगो की मैं प्यूरी बना ली हूँ और इसके मैं ऐड करूँगी फ्रेंड्स पहले इसको, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंगो को डाल करके अच्छे से फ्रेंड्स इसको मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो इसको मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं इसकी प्यूरी को और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना अच्छा इसका थिकनेस है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और फ्रेंड्स, इसमें मैंगो के जो छोटे छोटे पीसेस की हुई इसको ऐड कर रही हूँ, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे।
और फ्रेंड्स ये मैं ली हूँ अनार के दाने और एप्पल के कटे टुकड़े ली हूँ, तो इसमें दोनों हम ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा हम इसको एक घंटा के लिए फ्रिज में इसको रखेंगे और इसके बाद आप लोगों को सर्व करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो इसको थोड़ा हम फ्रिज में रख देते हैं और ठंडा ठंडा खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, तो इसको हम फ्रिज में थोड़ा एक घंटा के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं मैंगो कस्टर्ड रेसिपी तैयार कर ली हूँ और फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी हो गई है और इसको मैं एक घंटा फ्रिज में रखी थी और अब एकदम ठंडा ठंडा। इसी तरह आप लोग भी बनाकर ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा तो समर सीजन में बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी गाढ़ी है। तो कोई भी रिलेशन के लोग आए चाहे खुद के लिए ऐसा रेसिपी बनाकर आप लोग खाएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और इस समय तो आम बहुत सीजन, आम का ही सीजन है, बहुत सारे आम मिल रहे हैं मार्केट में, तो आप लोग बनाकर ज़रूर खाइएगा फ्रेंड्स। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मैंगो कस्टर्ड जो रेसिपी बनाई हूँ आपको कैसा लगा। तो एक अगले रेसिपी के साथ आएंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।